लालू यादव का वर्तमान जैसा भी हो सकता है होटवार की सुबह बेहद खूबसूरत ना हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लालू यादव को अपने कमरे से आंगन तक आने में एक घंटा लग जाता था। भीड़ ऐसी मानो उन्हें निगल ले। उस लालू यादव की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी उस लालू यादव की है जिसने कभी कहा था बिहार में कोई वाटरलू नहीं है, यहाँ सिर्फ लालू है। आज सभी जानते हैं कि लालू यादव को राबड़ी देवी साहेब कहकर बुलाती है, लेकिन सोचिए जब लालू यादव पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निचले दर्जे के कर्मचारी थे, एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइलें ढोते थे, तब राबड़ी देवी उन्हें क्या कहकर बुलाती होगी? सवाल लाजमी है तो जान लीजिए, उस दौर में लालू यादव अपनी पत्नी की नजर में ई मात्र थे। 1995 में लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि लालू यादव इस बार चुनाव हार जाएंगे। 1955 बैच के आईएएस अधिकारी रहे टीएन शेषन, तब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस दौर में लालू यादव और टीएन शेषन के बीच मनमुटाव से हर कोई वाकिफ है। जब शेषन ने अपना चौथा स्थगन आदेश दिल्ली से बिहार सीएम आवास फैक्स किया, तो लालू यादव ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को फोन कर खूब खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि तुम लोग गरीब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हो, सब फैक्स फुक्स उड़ा देंगे। बिहार में शेषन का प्रभाव कितना हुआ पता नहीं, लेकिन लालू यादव ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली थी, जिसके बाद राबड़ी देवी ने अपने मन में लालू यादव के लिए साहेब शब्द चुन लिया था। लालू यादव अब राबड़ी देवी के लिए मात्र ईह नहीं थे, क्योंकि 1973 में जब राबड़ी देवी मात्र 14 साल की थी और उनकी शादी हुई थी, तब लालू यादव ने ऐसा कोई काम भी नहीं किया था कि उन्हें उनकी पत्नी साहेब कहे। और शायद ऐसा भी हो कि गांव की 14 साल की लड़की को शब्दों के वजन का अंदाजा ना लगा हो। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।